साई अकेडमी ऑफ इंजीनियर्स में आप सबका स्वागत है। हेलो बच्चों, नमस्कार। पावर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज पावर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में हम नए वीडियो की शुरुआत करेंगे और आज का लेक्चर नंबर 13 है और आज हम पढ़ेंगे पावर ट्रांजिस्टर्स के बारे में। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ पावर डायोड का डिस्कशन कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। बच्चों, पावर ट्रांजिस्टर की खोज 1947 में हुई थी और इसमें तीन महान साइंटिस्टों का योगदान था। सबसे पहले साइंटिस्ट थे विलियम शॉकले, दूसरे थे वॉल्टर बैरिटन और तीसरे थे जॉन बार्डीन। इन तीनों साइंटिस्टों ने सबसे पहले 1947 में पावर ट्रांजिस्टर को प्रैक्टिकली लैब में टेस्ट किया था। पावर ट्रांजिस्टर एक थ्री टर्मिनल डिवाइस होता है, आप ऑलरेडी इसके बारे में जानते होंगे। पावर ट्रांजिस्टर को हम सेमीकंडक्टर मटेरियल को यूज करके ही बनाते हैं, जो कि हम डायोड या फिर अदर टाइप ऑफ मटेरियल्स में यूज करते हैं। बच्चों, ये नॉर्मल ट्रांजिस्टर से पावर ट्रांजिस्टर कैसे बन गया, क्योंकि इस ट्रांजिस्टर के अंदर हाई करंट कंट्रोल एज वेल एज हाई वोल्टेज रेटिंग कैपेसिटी होती है। मींस मैं कंक्लूड करूं तो पावर ट्रांजिस्टर एक हाई पावर हैंडलिंग डिवाइस है जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के फॉर्म में यूज होता है, पावर डिवाइसेस में यूज होता है और इसीलिए हम इसको पावर ट्रांजिस्टर्स बोलते हैं। बच्चों, अभी हमने पावर ट्रांजिस्टर्स के प्रॉपर्टीज के बारे में समझा, अब हम समझते हैं कितने तरह के पावर ट्रांजिस्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो वैसे तो ट्रांजिस्टर्स के बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन अगर मैं उसी ट्रांजिस्टर को एज अ पावर ट्रांजिस्टर यूज करूं तो बेसिकली यहाँ पे चार टाइप है जो हम यूज करते हैं। सबसे पहला और फेमस जो आप जानते हैं, दैट इज कॉल्ड बीजेटी, मीन्स बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बच्चों, बीजेटी यानी बायपोलर ट्रांजिस्टर नॉर्मली हम सिग्नल ट्रांजिस्टर के फॉर्म में यूज करते हैं, जिसको एज एन एम्पलीफायर हम यूज करते हैं। यहाँ पे उसी ट्रांजिस्टर को एज अ पावर ट्रांजिस्टर हम यूज करेंगे। उस पावर ट्रांजिस्टर की हाई वोल्टेज एंड हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी होगी। बच्चों, पावर ट्रांजिस्टर की जो सेकेंड फैमिली है, दैट इज कॉल्ड मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बहुत सारे बच्चों को इसका नाम ये याद नहीं रहता, बहुत सारे बच्चे इसका फुल फॉर्म नहीं समझ पाते। इवन कुछ बच्चों ने तो यहाँ तक पूछा कि सर इसको MOSFET ही क्यों बोलते हैं, जैसे बीजेटी को बायपोलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर बायपोलरिटी है, जंक्शन से और साथ में ट्रांजिस्टर यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ MOSFET नाम क्यों पड़ा, तो बच्चों निश्चिंत रहिए, अगले वीडियो में हम MOSFET के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और वहां मैं आपको समझाऊंगा कि मेटल ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर इसके नाम में कैसे जुड़ गया। तो बच्चों, MOSFET के बाद तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसके अंदर BJT और MOSFET दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, दैट इज कॉल्ड IGBT, इंसुलेटेड गेट बायपोलर ट्रांजिस्टर। बच्चों, नाम से ही समझ में आ रहा है, इंसुलेटेड गेट प्लस बायपोलर ट्रांजिस्टर, यानी इसके अंदर MOSFET के इंसुलेटेड गेट की प्रॉपर्टी होती है, साथ में ट्रांजिस्टर की बायपोलरिटी की प्रॉपर्टी होती है और इसीलिए इसको हम IGBT बोलते हैं। मीन्स MOSFET और BJT दोनों के कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने, अच्छी क्वालिटीज को हमने यूज करके एक तीसरा डिवाइस बना दिया जिसको हम बोलते हैं IGBT। बच्चों, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इंडक्शन ट्रांजिस्टर, SIT। अगर आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करेंगे तो इन तीनों डिवाइसेस से आप ऑलरेडी फैमिलियर होंगे, क्योंकि आप हर जगह पे इसका यूज पढ़े होंगे और देखते भी होंगे। इनमें खास करके IGBT आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। अभी मैं रिसेंट में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन विजिट करने गया था, वहां पे IGBT का सबसे ज्यादा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक ट्रेन में, इलेक्ट्रिक ट्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पावर मॉड्यूलेशन सर्किट्स में। तो बच्चों, एक एक करके हम इन चारों के बारे में डिटेल में समझेंगे। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और स्पेशली पावर जंक्शन ट्रांजिस्टर। हेलो बच्चों, नमस्कार। तो बच्चों, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं कुछ लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मेरे चैनल पे सुपर थैंक्स का बटन भी ओपन है, प्लस चैनल को ज्वाइन करने का भी ऑप्शन खुला हुआ है। तो कुछ बच्चों ने वो सुपर थैंक्स से मुझे थैंक यू बोला है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ मायने अमाउंट नहीं रखता, मायने आपका प्यार रखता है, जो आप हमारी मेहनत को समझते हैं और सपोर्ट करते हैं। और कुछ बच्चों ने उस ग्रुप को एक्सक्लूसिवली ज्वाइन किया है, तो सुना दे क्या उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बेनिफिट्स उसको अलग से मिलेंगे। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। उस वीडियो को एंड करने से पहले मैं कुछ लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ।
मेरे चैनल पे सुपर थैंक्स का बटन भी ओपन है, प्लस चैनल को ज्वाइन करने का भी ऑप्शन खुला हुआ है। तो कुछ बच्चों ने उस सुपर थैंक्स से मुझे थैंक यू बोला है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ मैंने अमाउंट नहीं रखता, मैंने आपका प्यार रखता है, जो आप हमारी मेहनत को समझते हैं और सपोर्ट करते हैं। और कुछ बच्चों ने उस ग्रुप को एक्सक्लूसिवली ज्वाइन किया है, तो सुनाने के उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बेनिफिट्स उसको अलग से मिलेंगे। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो यार, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।